नमस्कार। फ्रेंड फ्रेंड झटपट झटपट घरेलू डिश में फिर से एक नया रेसिपी लेकर आए हैं। फ्रेंड देखिए, मूली चिलगोजा। तो मूली चिलगोजा बनाने के लिए फ्रेंड ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड, और ये बहुत ही सर्दी में यूनिक रेसिपी है फ्रेंड, सर्दी का जो आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा फ्रेंड, और ये बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड। तो और इस और सामान बहुत ही कम लगता है फ्रेंड इसमें। जब भी हम वीडियो बनाते हैं फ्रेंड, बहुत ही कम सामान में और बहुत ही यूनिक रेसिपी फ्रेंड कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ झटपट झटपट घरेलू डिश यूट्यूब चैनल में। सारा लिंक डला हुआ है फ्रेंड, आप उस पर यूनिक से यूनिक रेसिपी जाकर देखिए फ्रेंड। तो देखिए, इसके लिए लिए हैं हम 1.5 बॉल, इस बॉल से मीडियम साइज बॉल से मैदा, और ये 4 बॉयल आलू ले लीजिएगा फ्रेंड, और अजवाइन और मंगरेला 1/2 चम्मच, नमक, ये देखिए अदरक और लहसुन का। मेरे पास अचार था फ्रेंड, अगर आपके पास अचार नहीं है तो अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच बना ले लीजिएगा। अदरक और मिर्चा का, सॉरी फ्रेंड, अदरक और मिर्चा का और लहसुन और मिर्चा कूट लीजिएगा फ्रेंड, 3-4 कली लहसुन और 2-3 मिर्चा। मिर्चा तो स्वाद अनुसार आप तीखा कर सकते हैं फ्रेंड अपना। और देखिए, 1/2 मूली, इसको कद्दूकस कर लेंगे फ्रेंड बस, और रिफाइन ऑयल ले लेंगे थोड़ा सा बस। चलिए, अब इससे ही हम बनाएंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले क्या कीजिए फ्रेंड, मूली जो है इसमें मिक्स कर लीजिए, और इसमें 1/2 चम्मच नमक, अजवाइन और मंगरेला डाल लेंगे फ्रेंड बस, और अब इसको मिक्स करेंगे फ्रेंड। मिक्स करके देखेंगे कि पानी कितना लगेगा फ्रेंड। ये देखिए आटा, इसके पानी के साथ ही हमारा मैदा लग जाएगा फ्रेंड, और थोड़ा सा घी या रिफाइंड डाल लेंगे फ्रेंड। ये चिलगोजा पूरी बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड। ये देखिए, अभी सर्दी है फ्रेंड, ये जमा हुआ है, तो थोड़ा सा घी और थोड़ा सा एक ढक्कन या 1 बड़ा चम्मच हम इसमें रिफाइंड डाल लेंगे फ्रेंड बस। ये देखिए, अब इसको हम अच्छे से इस तरह मिक्स करेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे जैसे आटा पूरी का लग जाता है। अगर जरूरत पड़े तो 1 आध बूंद पानी देंगे, नहीं तो पानी की जरूरत नहीं है, ये मूली के पानी में ही हो जाएगा फ्रेंड। देखिए इस तरह मसल मसल के ही आप इसको लगाइए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा हाथों पे तेल लगा लीजिए और इसको मसलिए। हमने इसमें 1 बूंद पानी नहीं डाले फ्रेंड। देखिए हो गया आटा, इतना अच्छा मूली में ही सन गया फ्रेंड। अब हम आलू को बना लेते हैं फ्रेंड, कुछ भूंजने भाजने कुछ का चक्कर नहीं है, एक मूली कद्दूकस कीजिए और बस बना लीजिए। देखिए, हमने ये आलू को बॉयल करके रखे हैं फ्रेंड, एकदम ढावा स्टाइल में फ्रेंड। अगर आपको प्याज डालना है फ्रेंड तो एकदम बारीक कटी हुई प्याज आप डाल सकते हैं, नहीं तो ये बिना प्याज का भी अच्छा होता है। थोड़ा सा 1 पिंच मंगरेला, अजवाइन और ये सारा मसाला इसमें डालेंगे फ्रेंड, और इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए फ्रेंड, आप अपना
या थोड़ा 1 पिंच नमक, 2 पिंच डाल लीजिए, क्योंकि पूरी में ही हमारा नमक है फ्रेंड। अब देखिए इसका कितना टेस्टी ये बनकर चिलगोजा तैयार होगा फ्रेंड। ये देखिए मिक्स कर लिए बिल्कुल। अब बस बेल के छान लेंगे, 2 मिनट में हमारा नाश्ता तैयार हो जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये हमारा, देखिए आटा जो है बिल्कुल, देखिए 2 मिनट बाद सॉफ्ट हो गया। फिर से एक बार मसल लीजिए फ्रेंड। अब इसका छोटा छोटा लोई बनाइए फ्रेंड, एकदम छोटा छोटा। हाथों पे रिफाइन लगाइए और देखिए इतना बड़ा बड़ा लोई बनाएंगे फ्रेंड सारे का। ये ठंड का बहुत मस्त चिलगोजा है फ्रेंड। आपको जितना बनाना है फ्रेंड आप उतने मात्रा में बना सकती हैं। ये देखिए, तो अब हाथों पे तेल लगा लीजिए रिफाइन, और एक एक पूरे हाथ पे अच्छे से, ये देखिए ऐसे, और एक एक पूरी को, लोई को हम ऐसे एकदम पेड़े की तरह एकदम कर लीजिए फ्रेंड। और ऐसे अब इसको बेलेंगे फ्रेंड, इसको हम इस तरह बेलेंगे, थोड़ा हाथों पे इसको मसल लीजिएगा फ्रेंड। अब एक छोटा चम्मच इस पे रखेंगे और इसको देखिए, इसको इस तरह करते हुए गोला कर लेंगे फ्रेंड। गोला करके फिर से, और फिर धीरे से एकदम आटा को छिड़कते हुए, या मैदा आटा कुछ भी ले लीजिए, और धीरे से इसको बेल लीजिए। ये देखिए थोड़ा सा, देखिए इतना मोटाई रखिएगा फ्रेंड, ताकि मूली से एकदम सॉफ्टनेस और अच्छा हो जाए फ्रेंड। एकदम से चारों तरफ से हल्के हाथों से बेलिएगा, नहीं तो ये जो आलू हम भरे हैं फ्रेंड ये बिल्कुल निकल जाएगा फ्रेंड। इसी तरह हम सारे को बेलेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड एक बार हम आपको फिर से दिखा लेते हैं फ्रेंड। देखिए पूरा हाथों पे जोर देके मसल लीजिएगा फ्रेंड, हाथों पे थोड़ा सा रिफाइन लगाइएगा और इसको इस तरह मसलेंगे, और आटे में अच्छे से देखिए डीप करके, और इसको हल्के हाथों से बेलेंगे फ्रेंड, ज्यादा वो नहीं करेंगे फ्रेंड, दबाव नहीं देंगे। देखिए अब हम 1 चम्मच, ये देखिए इसको लेंगे, 1.5 चम्मच बड़े चम्मच से ले रहे हैं तो 1 चम्मच, छोटे से ले रहे हैं तो 1.5 चम्मच। अब इसको सबको ज्वाइंट करके इस तरह एक जगह ले आएंगे, और देखिए देखिए, और फिर पेड़े की तरह बना के अब इसको अच्छे से बेल लेंगे फ्रेंड। ज्यादा दबाव नहीं देंगे फ्रेंड, एकदम धीरे से बेलेंगे इसको। नहीं तो देखिए आलू जो फट रहा है वो सारा फट के निकल जाएगा, थोड़ा सा देखिए हमसे दबाव पड़ गया तो इस तरह फट जाएगा फ्रेंड, इसलिए बिल्कुल दबाव नहीं देना है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड कढ़ाई गैस पर रख दिए हैं, अब ये तेल डाल दिए और तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड, तेल को गर्म होने दीजिए, थोड़ा सा चेक करके देखेंगे। और ये देखिए अभी तेल पूरा गर्म होने दीजिए फ्रेंड। देखिए फ्रेंड तेल हमारा गर्म हो गया, अब हम एक एक पूड़ी को इस तरह डालेंगे। और धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पे ही इसको तलिए फ्रेंड।
देखिए अब इसको हम धीरे से पलटेंगे फ्रेंड, दोनों तलेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड दोनों तरफ से देखिए पलटते हुए एकदम इसको हमने छान लिए फ्रेंड। ये देखिए इसको धीरे से बिल्कुल पलटना है फ्रेंड, नहीं तो ये टूट जाता है बिल्कुल। देखिए एक बार और हम दिखाते हैं फ्रेंड। देखिए मीडियम फ्लेम पे इसको दोनों तरफ पलटते हुए इसको हम तलेंगे फ्रेंड, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, दो एक दो मिनट के बाद ही इसको पलटेंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड देखिए आप नजदीक से देखिए कि ये कितना अच्छा बना है फ्रेंड, आप देख रहे हैं, और बहुत ही कड़क और बहुत ही टेस्टी फ्रेंड। एक बार ये चिलगोजा आप ट्राई करके जरूर देखिएगा फ्रेंड। इसी तरह आप सारे को छान लीजिए फ्रेंड। थोड़ा सा मैदा में आपका पूरे परिवार का नाश्ता बन जाएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड ये देखिए कितना तोड़ के देखिए कितना खास्ता बनकर तैयार हो गया फ्रेंड ये चिलगोजा। तो आप लोगों को ये रेसिपी अच्छा लगा फ्रेंड तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं फ्रेंड। जिन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है फ्रेंड थैंक यू, जो नहीं किए प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें फ्रेंड और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड ये सर्दी का न्यू उपहार आप लोगों के लिए। हमेशा हम एकदम यूनिक से यूनिक रेसिपी उपहार के रूप में लेकर आते हैं फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड अगले रेसिपी में। नमस्कार नमस्कार।